बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और कालका से समालखा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बता दें आपको कि अंबाला से बड़ी खबर आ रही है जहां पर किसान नहीं करेंगे टोल प्लाजा को खाली। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 15 तारीख तक नहीं करेंगे टोल को खाली और टोल प्लाजा मालिकों को करना होगा और ज्यादा इंतजार। 15 दिसंबर तक वाहन चालकों को टोल से राहत है, 15 तारीख तक टोल को खाली नहीं करने की बात कही है किसानों ने। अंबाला से बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां टोल प्लाजा को खाली नहीं करने की बात कह रहे हैं किसान। 15 तारीख तक टोल खाली नहीं करेंगे किसान, टोल प्लाजा मालिकों का करना होगा और इंतजार। बता दें कि 15 दिसंबर तक वाहन चालकों को टोल से राहत रहेगी और 15 तारीख तक किसान टोल प्लाजा खाली नहीं करेंगे। अंबाला से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 15 तारीख तक टोल खाली नहीं किया जाएगा। ऐसे में टोल प्लाजा मालिकों को अभी और इंतजार करने की जरूरत है और वाहन चालकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। 15 तारीख तक राहत रहेगी टोल प्लाजा से जाने आने में और बता दें आपको कि 15 तारीख तक टोल खाली नहीं करने की बात कह रहे हैं किसान। अंबाला से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 15 दिसंबर तक टोल से गुजरने वाले वाहन को राहत मिलेगी क्योंकि तब तक किसान टोल प्लाजा को खाली नहीं करेंगे। ऐसे में अब 15 तारीख तक लोगों को कहीं ना कहीं राहत होगी, वहीं मालिक जो टोल प्लाजा मालिक हैं उन्हें और इंतजार करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जहां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली चंडीगढ़ की हरनाज संधु ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। इसराइल के एलियट में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजाब की 21 वर्षीय महिला ने 2000 में लारा दत्ता की जीत के 21 साल बाद वही ताज हासिल किया। हरनाज ने पैराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की सुंदरियों को हरा कर ये प्रतियोगिता अपने नाम किया। संधू को इस कार्यक्रम में मेक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा ने ताज पहनाया है जिसे विश्व स्तर पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा की बेटी द्वारा जब मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया तो पूरा देश आज खुशी से झूम उठा है। हर कोई खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है और हर किसी का चेहरा आज खुशी से नजर आ रहा है क्योंकि आज हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब मिस यूनिवर्स का खिताब भारत के नाम घोषित किया जा रहा था उस दौरान हरनाज और संधू का चेहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कितनी ज्यादा खुशी उनकी उनके आंखों के आंसू से झलक रही है। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि अपने आंसुओं पर रोक नहीं सकी, अपने आंसू को रोक नहीं सकी और तस्वीरें देख सकते हैं इस खबर के बाद ही हर कोई खुश है जहां पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, माता पिता के साथ लेकर पूरा देश आज जश्न मना रहा है। Namaste, Sat Sri Akal Universe. Thank you so much to each one of you for supporting me since day one, always believing in me and making me feel worth this. Now this is the time to save the universe. Let's do it together. Thank you. मतलब पूरे देश का नाम रोशन किया है, देश का भी नाम है। 21 साल बाद जीत के आई है और बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए, इंडिया लिए, इवन वर्ल्ड के बीच में काफ़ी कंट्रीज लोगों को ऑलरेडी प्रसारण करना शुरू कर चुके हैं, काफ़ी लोगों की इलाज आ चुकी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਰੋ ਆਊਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਰਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੌਪ 16 ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਟੌਪ 5 ਉੱਤੇ, ਟੌਪ 5 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
बढ़ते हैं आगे, जहां सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जिला में पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवियों और जिलों के पेंशनर्स को समर्पण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए भी प्रेरित करने को और आगामी 18 से 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षा में कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने घटते लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में लिंगानुपात की दर को 950 तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने इसके लिए पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने और इसके तहत छापेमारी और केस दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। मित्रों, आज प्रदेश के सभी 22 डिप्टी कमिश्नर्स और कुछ विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, इनकी एक मीटिंग आज बुलाई गई थी। कुछ विषय जो लगातार चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा, और उसमें जो भी कोई विषय नया ध्यान में आता है उसको लागू करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आज 9 विषय जिसकी चर्चा पहले से अधिकारियों ने भी की है और उसमें जो कुछ बातें ध्यान में आई हैं उनको बता भी दिया गया है, जिसमें एक विषय स्वामित्व जो बहुत पहले से चल रहा है, लाल डोरे को समाप्त करने वाला विषय, और लार्ज स्केल मैपिंग। इसी में दूसरा विषय कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, डोज 1 प्राय उसका काम कंप्लीट हो गया, 91% लोगों को डोज 1 लग चुकी है। सेकेंड डोज 52% लोगों को लगाई जा चुकी है, तो इसमें भी तेजी ला करके मुझे लगता है कि अगले और एक 15 दिन में इसमें गति ला करके इसको पूरा किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के धरना खत्म करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु की सूची किसानों ने दी थी उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, और मुख्यमंत्री ने किसानों के विरुद्ध दायर मुकदमों को वापस लिए जाने के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारी मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने मुकदमे तुरंत वापस लिए जा चुके हैं और लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुकदमे कोर्ट में जा चुके हैं उनका वर्गीकरण भी किया जाएगा। अभी चूंकि उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है कि कितने लोगों का उसमें नाम है जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसा एक वेरिफिकेशन का काम हम करेंगे। जैसे वो सूची उनकी आएगी, उनकी सूची उन्होंने दी भी है तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसका वेरीफाई करके और फिर उनके साथ बैठेंगे, तब तक करेंगे। मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है और उसमें भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज डीएस मिल करके और वहां रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने मुकदमे तुरंत इमीडिएटली वापस लिए जा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो पहले कोर्ट में चले गए हैं उनको कोर्ट के द्वारा वापस कराना पड़ेगा, तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनका अलग अलग समय पर वापस हो। टोल तो कुल मिलाकर के पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा, टोल में जब टोल खुल जाएंगे तो उसके फेयर नहीं बढ़ने वाले हैं कोई, क्योंकि टोल तो पहले इनबिल्ट था सारी चीजों में। ये ठीक है कि कुछ टोल नहीं लिए जा रहे थे या टोल किसी और रूप में भी लोग उनसे कलेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कोई किसी प्रकार का अंतर रेट्स पर नहीं पड़ने वाला। अभी जो चंडीगढ़ के मटका चौक पर बाबा लाभ सिंह का धरना खत्म करवाने देर रात किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा लाभ सिंह का आंदोलन एक अचूक कड़ी बनने का धन्यवाद दिया है। वहीं एक साल से नंगे पांव चल रहे राजन बैस को भू जूते पहनाए हैं। बता दें कि उन्होंने साफ किया है कि आंदोलन में युवाओं ने जो भूमिका निभाई है इसे भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं इस दौरान किसानों ने किसानों की जीत पर जमकर डांस भी किया है। किसानों ने बहुत ट्रायल करा पहले, वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक प्रेशर ग्रुप का काम हो तो ही वहाँ पर कोई तरह की बात तय नहीं कोई हुई, ये सियासत में जाएगा। अभी क्या होता है अरे वे तो वो काम करते हैं ना, वे तो भड़का रहे आंदोलन प्रेशर ग्रुप का काम। वहीं हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट समेत अन्य पदों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को चुना गया है ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के 9 पदों पर रानी तिवारी और राम निवास हुड्डा समेत 17 नामों को शामिल किया गया है। बता दें कि इसके साथ ही IAS देवेंद्र सिंह को महासचिव और मनीष ग्रोवर कोकोशा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। इस मौके पर नवचयनित हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट संदीप सिंह ने कहा है कि फेडरेशन सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे बच्चों का भला होगा। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए और ट्रेजरर के लिए अनअपोज्ड तीनों पोस्ट गई हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 9 पोस्टें हैं जो हमारी आई हैं। उसमें वाइस प्रेसिडेंट में लगभग 14 लोगों ने भरा था, उसमें से 9 लोगों को चुना गया। तो इसमें जो रूल है उस रूल के हिसाब से इलेक्शंस हुए हैं। इसमें HOA के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लगे हुए थे और रिटायर्ड जस्टिस उनको देख रहे थे, तो उन्होंने ये सारा उनकी लुकआफ्टर में ये सारा हुआ है और कोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा सारा कुछ किया। और अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस गीता महोत्सव में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है और इस मौके पर अनिल विज ने कहा है कि यदि हमें संस्कृत का ज्ञान होता तो हमें ज्यादा ज्ञान होता, हमें गीता को पढ़ने की बजाय पूजन करना शुरू कर देना चाहिए। हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं और हमसे संस्कृत को छीन लिया गया। हमको संस्कृत नहीं आती, इसीलिए गीता को पढ़ने और समझने की बजाय हमने गीता का पाठ पूजन करना आरंभ कर दिया। श्री हरपाल सिंह कंबोज जी हमारे बीच पधार चुके हैं और कुछ ही देर में आज के मुख्य अतिथि मट्टी की वेरिएंट ओमिक्रोन का पहला केस मिलने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बता दें कि जिसको लेकर इमिग्रेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव गौंड ने बताया है कि बीते साल लॉकडाउन लगने से सबसे ज्यादा असर इमिग्रेशन इंडस्ट्री पर पड़ा था। वहीं IAA के CEO विम्मी साहनी ने बताया है कि कोरोना काल हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है, लोगों को भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में स्टाफ की तनख्वाह और बिल्डिंग का किराया जैसी अनेकों समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत सारे हमारा जो पिछला 1 से 1.5 साल गया है जिसमें हमारे 2 लॉकडाउन्स लगे हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी, बिकॉज हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स रहती हैं उनका रेंट देना मुश्किल हो जाता है, हमारे साथ कितना स्टाफ जुड़ा हुआ है उनकी सैलरीज देना मुश्किल हो जाता है। तो काफी लोगों को इस चीज के लिए चुनौती भरा सीजन रहा है
और सिमिलरली अगर जैसे ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है तो ओमिक्रॉन वायरस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार हमें बहुत ज्यादा इस चीज के लिए स्ट्रिक्टनेस ना करे, हम सबको एक प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जाए और डेफिनेटली हम उस सब चीजों को फॉलो करके करेंगे बिकॉज हमारे पास जितना स्टाफ है सारा का सारा स्टाफ 18 प्लस है, जितना हमारा स्टूडेंट है वो सारा स्टूडेंट 18 प्लस है। और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में लगे शिल्प और क्राफ्ट मेले में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि महान संतों की बदौलत आज हिंदू समाज आगे बढ़ा है और हमें समाज को नई दशा और दिशा देने वाले संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यूथ ब्लड डोनेशन सोसाइटी की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर का भ्रमण करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो शिल्प और क्राफ्ट मेले का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। बता दें कि ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर इसका आयोजन किया गया है जहां पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी शिरकत की और इस दौरान कहा कि महान संतों की बदौलत हिंदू समाज आगे बढ़ा है, ऐसे में हमें समाज को नई दशा दिशा देने वाले संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने यूथ ब्लड डोनेशन सोसाइटी की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर का भी भ्रमण किया और रक्तदान करने वालों को की सराहना की है और ये भी कहा है कि रक्तदान महादान होता है, इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ये आयोजन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पे किया गया है जहां पर शिल्प और क्राफ्ट मेले का आयोजन हुआ है। बात करेंगे यमुनानगर की जहां अधिकारी बार बार वैक्सीनेशन की अपील कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई है, जो कि चिंता का विषय है। पानीपत में स्टोन ढाबा के सामने ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है जिससे हादसे में कार ड्राइवर और कार मालिक की मौत हो गई है। वहीं कार मालिक पत्नी सदमे में है और बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि परिवार दिल्ली में शादी समारोह में शामिल होने गया था जहां से वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां पर ट्रक ने कार को टक्कर मारी है और इस पूरे हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई है। बता दें जो कार ड्राइवर है उसकी मृत्यु हो गई, वहीं उसी के साथ ही जो कार मालिक है उसकी भी मृत्यु हो गई और इस पूरे हादसे के बाद से जो कार मालिक है उसकी पत्नी सदमे में है। माइल स्टोन ढाबा के सामने ये पूरा हादसा हुआ है जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट चुकी है। बता दें कि शादी समारोह से ये लोग वापस आ रहे थे और वापस लौटते समय ही ये हादसा हो गया जिसके बाद परिवार में दुख की लहर है और इस पूरे हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ट्रक ने कार को टक्कर मारी थी, तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और इसी के साथ ही जो शव है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भेजा जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार दिल्ली में शादी समारोह में शामिल होने गया था और वापस लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों ने अपनी जान गंवाई है और वहीं कार मालिक की पत्नी सदमे में है, उनका रो रोकर बुरा हाल है।
कुरुक्षेत्र में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में विज्ञान प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कुरुक्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को विज्ञान के संबंध में जानकारियां भी दी जा रही है। बता दें कि कनीपला में विज्ञान अध्यापिका अनुराधा एवं ऋतु गर्ग मोबाइल वैन के साथ पहुंची, जहां उन्होंने छात्रों को विभिन्न प्रयोगों और अन्य रोचक गतिविधियों के द्वारा विज्ञान को सरल तरीके से समझाया है। और ये इनके चारों क्या है, तो फिर आप बताइए कि इसमें से हवा क्यों नहीं निकली, क्योंकि इसका मुंह किसने बना? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पानीपत के स्टोन ढाबा के सामने ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में कार ड्राइवर और कार मालिक की मौत हो गई। वहीं कार मालिक की पत्नी सदमे में है, और बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। बताते चले कि परिवार दिल्ली में शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां से वापस लौटते समय यह बुरा हादसा हुआ है। ये दिल्ली गए थे किसी फंक्शन में, तो फिर क्या हादसा हुआ, कहाँ पे हुआ? ये बता रहे हैं 70 माइल स्टोन के बाहर हुआ है। गाड़ी जैसे पीछे से किसी ने मारी टक्कर, तो वो पीछे का शीशा वीशा टूटा हुआ, और उतरे नीचे देखने के लिए, इतनी देर में पीछे से किसी कैंट उसने ट्रॉले ने आकर टक्कर मारी, तो ड्राइवर और इसके साथी की मौके पर डेथ हो गई। ये भतीजा मेरा राजेश कुमार पुत्र दिनेश्वर दिल्ली गया हुआ था किसी फंक्शन में, वहाँ से आते समय एक्सीडेंट हुआ। कौन सी जगह? समालखा 70 माइल स्टोन के नज़दीक। क्या रोक के कुछ देख रहे थे वो पहले भी कुछ हुआ था हल्की फुल्की? हाँ, कुछ रोक के देख रहे थे, वो कोई गाड़ी टचिंग करके निकल गई, तो ये नीचे उतर के देख रहे थे, तो पीछे से फिर जो ट्राला आया उसमें उसने सीधी टक्कर मारे इनको। और इसी के साथ कालका से संभालखा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।